नमस्कार, मैं अनामिका। जानते हैं आज बिहार की 25 खबरों के बारे में। बिहार में 100 साल पुराना सुल्तान पैलेस बनेगा राज्य का पहला लग्जरी होटल। राज्य के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने बताया है कि बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहे शहर के मध्य में स्थित सुल्तान पैलेस को राज्य के पहले लग्जरी विरासत होटल में बदल दिए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है। यह लगभग 165 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि सुल्तान पैलेस करीब 100 साल का हो चुका है, जिसका निर्माण 1922 में न्यायाधीश सर सुल्तान अहमद ने करवाया था। बिहार स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित सहायक लोक विश्लेषक के पदों के लिए होगी नियुक्ति, जिसमें वरीय विश्लेषक, सहायक रसायन विश्लेषक और कनीय विश्लेषक समेत अन्य पदों पर भी कुल 105 पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। इसकी नियुक्ति खाद्य संरक्षा आयुक्त पटना बिहार के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग, खाद्य विश्लेषक संवर्ग और संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला अगम कुआ पटना में संविदा पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए www.health.bih.nic.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 25 सितंबर 2019 है। पाटलिपुत्र बीवी को मई वेतन के साथ मिला सितंबर महीने का नया वेतनमान। मई महीने से लंबित वेतन भुगतान को लेकर पाटलिपुत्र बीवी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी से मुलाकात की, जिसके बाद लंबित वेतन जारी करने के साथ ही साथ सितंबर माह से नए वेतनमान भी देने के लिए राशि जारी कर दी गई है, जिसके जारी होने पर बीवी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश तिवारी ने खुशी जताई और कहा, वेतन के बिना झेलनी पड़ रही थी समस्याएं। पितृपक्ष मेले को लेकर शुरू की गई वॉल्वो एसी बस, जिसमें पर्यटकों को दिल्ली से गया, बोध गया, राजगीर और नालंदा घुमाने का भी ऑफर दिया गया है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए एसी वोल्वो बस का परिचालन किया गया है, जिसमें बिहार आए पर्यटकों को राजगीर और नालंदा घूमने का भी मौका मिलेगा। इस बस को गया से दिल्ली और दिल्ली से गया के लिए भी बस का परिचालन किया गया है। तेजस्वी ने कहा, आखिर क्यों नीतीश ही भाजपा के कप्तान है। सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए इस बार फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील मोदी भाजपा के कम और नीतीश के आदमी ज्यादा हैं। आखिर क्यों भाजपा की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक भी नया चेहरा नहीं आया है सीएम पद के लिए। नीतीश कुमार जदयू के बलबूते पर नहीं बल्कि भाजपा की बड़ी पार्टी को निशाना बनाते हुए सीएम बनने की चाह रखते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 25 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए टेंडर निकालने की योजना बनाई, जिससे शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसके विषय में केंद्र सरकार की योजना है कि डीजल बसों की जगह पर इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाए। अब इसी माह के अंत तक बसों के परिचालन को अंतिम रूप दे दिए जाएंगे, जिसके बाद बिहार में अगले साल तक इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस एक बस की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सभी ग्रिड सब स्टेशनों से रियल टाइम डाटा संचार एवं दूरभाष को राज्य भार प्रेषण केंद्र से जोड़े जा रहे हैं। अब तक ट्रांसमिशन के पोल पर एक अर्थ वायर हुआ करता था, जिसके स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में बिजली कंपनी किसी संचार कंपनी से समझौता करने के बाद उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आसानी से उपलब्ध करवाएगी। इस 197 करोड़ की योजना में 39 करोड़ सरकार भुगतान करेगी और बाकी 156 करोड़ बाजार से कर्ज लिए जाएंगे। बीपीएससी की 65वीं परीक्षा में शामिल होंगे 4,11,000 अभ्यर्थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं सिविल सेवा के लिए परीक्षा की तिथि 15 अक्टूबर को घोषित कर दी, जिसमें 4,11,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें कुल 421 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। इस विषय में परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विजय चंद्र झा एवं डॉक्टर एम रहमान ने छात्रों को सलाह दी है कि वे करंट अफेयर्स, ग्रुप डिस्कशन और सेट प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दें। बिहार में अब जल्द ही पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के 1500 पदों पर बहाली। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के तय प्रावधानों के तहत अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से जल्द ही ऑनलाइन आवेदन का निर्णय लिया जाएगा। इस परीक्षा को बेल्ट्रॉन के माध्यम से लिखित रूप में लिया जाएगा। इसमें सहायक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता MTech और व्याख्याता के लिए BTech होगी। सीएम नीतीश ने पंचायतों को जिला स्तर पर व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह और पंचायती राज विभाग के अन्य वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में विभाग की विभिन्न योजनाओं की ताजा स्थिति को देखते हुए पंचायतों को प्रभावी संस्था के रूप में कार्य करने की सलाह दी। साथ ही जमीनी स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही टैक्स वसूलने के नियम बनाने को कहा, जिसमें उन्होंने इसे बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से तैयार करने को कहा। जदयू का सांगठनिक चुनाव जारी, पहला चरण हुआ पूरा। जदयू ने पंचायत और प्रखंड स्तर पर बगहा, मुजफ्फरपुर नगर,
लखीसराय बिहार शरीफ बाढ़म गया नगर औरंगाबाद बेगूसराय भोजपुर भागलपुर और शिवहर में जिला अध्यक्ष और राज्य परिषद सदस्यों के पहले चरण के चुनाव को पूरा कर लिया है, जिसमें दो जिलों खगड़िया एवं जमुई के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। पटना से बिहार की टीम का राजस्थान क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए हुआ चयन। राजस्थान के जोधपुर में होने वाले 15 से 18 सितंबर को साथी फेडरेशन कप राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव ज्योति कुमार ने बताया है कि दल के चीफ गौरी शंकर द मिशन महंत हनुमान शरण स्कूल मैनपुरा पटना के शारीरिक शिक्षा के शिक्षक होंगे। बच्चे अब पढ़ाई के साथ सीखेंगे सब्जियों को उगाने की कला। पूर्णिया जिले के 100 स्कूलों में फल और सब्जी की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2016 में शुरू किए गए थे, जिसके बाद अब प्रदेश के 20,000 स्कूलों में भी इसे शुरू किए जाएंगे। इसके लिए हरेक स्कूलों को 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। इसके लिए बच्चों को भी 75 प्रकार के सब्जियों और फलों की खेती के बारे में बताए जाएंगे। इस सब्जी को बच्चों के मिलने वाले मिड डे मील में शामिल किया जाएगा, जिससे कि पोषक तत्व उन्हें अधिक से अधिक मिल पाए। बिहार विधानसभा सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के 150 पदों के लिए आए 5.5 लाख आवेदन। बिहार में बेरोजगारी की समस्या से आम जनता परेशान है, जिसके लिए एक उदाहरण के तौर पर इसमें एक पद के लिए 3,666 अभ्यर्थियों की लाइन लग चुकी है, जिसमें नियमित रूप से प्रतिदिन 150 लोगों के इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि अगले साल के जनवरी महीने तक सभी आवेदकों का इंटरव्यू लिया जाएगा। राजगीर पर्यटन स्थल पहुंचा ऑस्ट्रिया का 8-सीटर रोपवे केबिन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की परियोजनाओं में 8-सीटर रोपवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें अधिकांश केबिन प्लास्टिक कवर में पैक है। इसे बिहार पर्यटन विभाग द्वारा 16 करोड़ की लागत से इस परियोजना को निर्धारित किया गया है। बता दें कि यह 8-सीटर केबिन विदेशी तकनीक से लैस व लग्जरी कोच की तरह होगा। इससे पर्यटकों को रत्नागिरी पर्वत स्थित विश्व शांति स्तूप की सैर करने का आनंद भी उठाने का लाभ मिलेगा। IBPS में क्लर्क के पदों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया हुई शुरू। बैंक कार्मिक चयन संस्थान IBPS का क्लर्क भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए आवेदन 17 सितंबर से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2019 है। इसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार www.ibps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय से ग्रेजुएट अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है, जिसमें SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। रामविलास पासवान ने कहा, भाजपा को 2020 के चुनाव में 225 से अधिक सीटों की उम्मीद। उन्होंने आर्थिक व वैश्विक मंदी पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के कामों का बखान करती पुस्तक जन कनेक्ट का विमोचन किया, जिसमें एक देश एक संविधान, वन नेशन वन राशन, आर्थिक सामाजिक सुधार, विदेश नीति, फिट इंडिया, स्वच्छता अभियान आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि PM ने 100 दिन का काम बहुत शानदार तरीके से किया है। भागलपुर की लीची अब मिलेगी अनोखे अंदाज में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने शुरू की नई तकनीक। अब इस तकनीक से केवल लीची का उत्पादन ही नहीं, बल्कि इसके आकार में वृद्धि और मिठास भी ज्यादा होने के दावे को पेश कर रही है। अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस नई टेक्निक से किसान अब 1 हेक्टेयर की भूमि पर 15 टन लीची की पैदावार कर सकते हैं। उनका दावा है कि वर्ष 2050 तक देश में लीची का उत्पादन 17 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वर्तमान में 7 लाख के करीब है। बिहार को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिए गए प्रेजेंटेशन में सभी शहरों में पटना आगे। आंकड़ों के अनुसार भागलपुर और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनने के मामले में मुश्किल दिख रही है, जबकि पटना इस मामले में सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि बिहार के सभी शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के हिसाब से बिहार के चारों शहर अभी भी पीछे हैं। सभी को मार्च 2020 तक लक्ष्य के लिए टेंडर की समय सीमा मार्च 2020 तक दी गई है। वहीं पटना और बिहार शरीफ के पास सभी काम शुरू कराने की समय सीमा जून 2020 तक की गई है। 19 सालों से किराए में चल रही झारखंड विधानसभा को आखिरकार मिल ही गई अपनी नई विधानसभा, जिसे नई विधानसभा में PM मोदी के द्वारा धुरवा इलाके में निर्मित भवन का उद्घाटन कर परिवर्तित कर दिया गया है। बता दें कि वर्तमान में विधानसभा की 81 सीटें मौजूद हैं। नए भवन में 162 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसे बनाने में 465 करोड़ की राशि खर्च की गई है, जो कि कुल 57,220 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। इसमें 400 वाहनों के पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। बिहार के औरंगाबाद की IPS अपर्णा बनी राज्य की महिलाओं के लिए मिसाल।
बढ़ती उम्र और बच्चों की जिम्मेदारियों सहित आईपीएस की नौकरी करने के बावजूद भी एक महिला अगर अपने सपने को उड़ान देने की सोचे, ये कोई साधारण महिला नहीं सोच पाती है। ट्रेनिंग के सदस्यों में सबसे ज्यादा 39 के उम्र की अपर्णा थी, लेकिन इन्हीं शारीरिक क्षमताओं और जिम्मेदारियों को उठाते हुए भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का स्थित माउंट डेनाली फतह पर अपर्णा 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी पर भारत का तिरंगा लहराने वाली प्रथम पुलिस अधिकारी बन चुकी है, जो कि तिब्बत सीमा पुलिस नॉर्दर्न फ्रंटियर देहरादून की डीआईजी है। क्रिकेट टीम में करुण नायर की होगी वापसी। भारतीय टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाज करुण नायर की 42 महीने बाद वापसी हो सकती है, जिन्होंने अपने आखिरी टेस्ट में 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में खेला था। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में इंडिया रेड की ओर से खेले गए 3 मैचों में 125 के शानदार औसत से 375 रन बनाए थे, जो कि एक मजबूत प्रदर्शन के आधार पर टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। वहीं खराब प्रदर्शन के बाद राहुल टेस्ट टीम से बाहर भी हो सकते हैं। रघुवंश प्रसाद ने नीतीश को भाजपा का गठबंधन छोड़ राजद में आने का न्योता दिया। एक बार फिर से राजद के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन का नेतृत्व करने का न्योता दिया है, जिसमें उन्होंने सीपीआई एमएल सहित सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ होने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए वो गठबंधन का साथ न छोड़े और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। आइए जानते हैं बिहार के मौसम का हाल। औरंगाबाद, भागलपुर, गया, मधुबनी, नालंदा और पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। वहीं छपरा, फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय बना बिहार का टॉपर। बता दें कि साल 2014 और 2015 में विद्यालयों के प्रदर्शन में देश स्तर पर भी यह टॉप पर था, जबकि इस बार भी सर्वे एजुकेशन वर्ल्ड के द्वारा किए गए रिकॉर्ड में इस बार भी टॉप 10 के विद्यालयों में अव्वल पर है। जो विशेषता इसे टॉप पर लेकर आया है, उसमें शिक्षक की भूमिका अहम है, साथ ही पूरी सिलेबस के साथ कराई गई पढ़ाई, कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान, साफ सफाई और सामाजिक क्रियाकलापों में शिक्षा भी शामिल है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।